हेलो, मेरा नाम ऋतु रतिवाल है और इस क्लास में आप ऊ जेनेसिस पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। ये सीरीज प्लस टू के बोर्ड प्रिपरेशन के लिए और नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी की बुक लेके आती हूँ और उसको वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर चल रहा है, ऊ जेनेसिस पे हम पहुँच चुके हैं। आप हमारे चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करके। जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे तभी आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। आप प्लस पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीचिंग, जैसे कि अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसीबो है। प्लेसीबो पे इस वक्त जो 4-5 टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके कंपैरिजन पे प्लस में 40 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। 40 टीचर्स, और उनमें से एक मैं भी हूँ। ये 40 टीचर्स अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो मतलब मैं भी अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी वहाँ पे, प्लस वन और प्लस टू का, जूलॉजी और बॉटनी का, नीट 2020 से पहले। ना सिर्फ वहाँ पे मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी, यदि आप मेरी टीचिंग से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा मैं आपको सब कुछ लर्न कराऊँगी। एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी का मैं लर्न कराऊँगी, आपके दिमाग में उतारूँगी उस चीज़ को, और जब तक आप लर्न नहीं कर लोगे तब तक मैं आगे नहीं चलूँगी। इससे फ़ायदा होगा कि आपका जो प्रेशर है, नीट का प्रेशर है आपके ब्रेन पे, वो बहुत कम हो जाएगा, 50% रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 50% सिलेबस तो बायोलॉजी का ही है, 25% केमिस्ट्री और 25% फिजिक्स। तो ये 50% का बर्डन तुम्हारे ब्रेन से मैं हटा दूंगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा मैम बायोलॉजी तो मैं कर ही आऊँगा, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? और इसके साथ साथ हम लोग आपको ये 40 टीचर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री भी हैं, आप अपने फेवरेट टीचर्स को फॉलो करेंगे, जिनमें डीसी पांडे सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, बहुत सारे सर यहाँ टीचर्स यहाँ पे टीच कर रहे हैं, जो इंडिया के टॉप फैकल्टी हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी टीचर्स चूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे। टेस्ट सीरीज़ में बच्चों कहती रहती हूँ बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तुम दुनिया के क्या, तुम इंडिया के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, यदि तुम नीट प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर है, टेस्ट देना शुरू करो। छोटे छोटे टेस्ट देना शुरू करो टॉपिक वाइज, प्लस अब क्योंकि नवंबर आ गया है, अब थोड़े से होल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करो। एक हफ्ते में एक होल सिलेबस टेस्ट दो, या फिर होल सिलेबस नहीं तो 720 मार्क्स का टेस्ट देना शुरू करो। ये टेस्ट सीरीज तुम्हें हर हफ्ते एक 720 मार्क्स का टेस्ट देती है, जिससे आपको आदत पड़ेगी 3 घंटे में अपना चैप्टर पूरा, जो 180 क्वेश्चंस है उसको पूरा करने की, साथ में प्रेशर के अंडर क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं उसकी। जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता नीट, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। आप चाहे यहाँ मत दो, आप जहाँ मर्जी दे लो, बट डू गिव मॉक टेस्ट। एंड दिस टेस्ट सीरीज इज अलॉन्ग विद वन सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन में आपको 40 टीचर्स की टीचिंग मिल रही है, उसी सब्सक्रिप्शन में आपको मेरा पूरा सिलेबस मिल रहा है, साथ में ही आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। मेरे सिलेबस के साथ मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ, यदि तुम एक कोड डालूंगी मैं अभी, एक कोड वो तुम यूज़ करोगे तो मैं तुम्हें अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगी, जिससे कि तुम पूरा सिलेबस बहुत ईजिली लर्न कर पाओगे। मेरे नोट्स इस प्रकार के होते हैं जो बहुत ईजिली लर्न हो जाता है सब कुछ उससे, ठीक है? आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, फ्रंट पेज खुलेगा, प्लस पे क्लिक कर देंगे, फिर नीट एंड एम्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। 2020 में अटेम्प्ट देने वाला बच्चा 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेगा। जो प्लस वन का बच्चा मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहता है वो 1 ईयर की प्रिपरेशन लेगा, सब्सक्रिप्शन लेगा। यदि कोई बच्चा क्रैश कोर्स लगाना चाहता है, अभी मैं नवंबर मिड में या नवंबर 20 से एक क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं पूरी बायोलॉजी आपको बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में लर्न भी कराऊंगी, समझाऊंगी भी, उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो वो बच्चे 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे 6 मंथ्स का फीस रहेगा 24,000 रुपीज़, 1 ईयर का फीस रहेगा 30,000 रुपीज़, 3 मंथ्स का फीस रहेगा 15,000 रुपीज़। तो आप ज़रा लंबा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको थोड़ा कम अमाउंट में ज़्यादा समय का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अब इस प्राइस को भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, प्लस आपको मेरे क्रैश कोर्स में सीट मिल सकती है, प्लस आपको मेरे हैंडमेड नोट्स मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, 30,000 दिखाएगा, आपको अभी पे नहीं करना है, ये कोड यूज़ करना है, ऋतु लाइव। जैसे ही तुम ये कोड डालते हो तुमको मेरी तरफ से 10% ऑफ मिलता है अपनी फीस पे, साथ में ही तुमको मेरे नोट्स मिलते हैं, प्लस मेरे क्रैश कोर्स में सीट मिलती है। सिर्फ 50 बच्चे लूँगी मैं इस क्रैश कोर्स में, और उन 50 बच्चों को मैं बायोलॉजी के टॉप पे पहुँचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि नीट लेवल का जो लेवल है ना,
उसको आराम से तुम मेरा कोर्स लगाने के बाद 330-340 में चले जाओगे यदि वैसे पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। आओ एनसीईआरटी रिव्यू शुरू करते हैं। कल हमने स्पर्म का डायग्राम नहीं किया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा हो गया है। आओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने इतनी मेहनत करके स्पर्मेटोजेनेसिस किया, स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, पर क्या बना वो तो नहीं हमने देखा ना। अंत में स्पर्मेटोजोआ बना, इसकी फोटो देखने से अच्छा हम एक डायग्राम बना लेते हैं फिर आके यहाँ पे इसको रीड कर लेंगे। आओ स्पर्म्स कहाँ बनते हैं याद कराने की जरूरत तो नहीं है, के करा दूं। मेल्स में स्क्रॉटम के अंदर टेस्टीज होता है, टेस्टीज के अंदर इस तरीके से लोब्स होते हैं, जैसे ऑरेंज के अंदर लोब्स होते हैं वैसे टेस्टिस के अंदर लोब्स होते हैं। इन लोब्स के अंदर पतली पतली हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स पड़ी होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ट्यूब्स पड़ी होती हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं लिख नहीं मार्क नहीं कर रही हूँ, या तुम कहते हो तो मार्क भी कर लेती हूँ। टेस्टिस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर ये पतला सा धागे जैसी ट्यूब जिसको सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं, ये सबको याद हो गया। अभी कोई बच्चा जो ये भूलना चाहता हो वो बता दो तो मैं लर्न करा दूंगी। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं, एक इजैकुलेशन में, वन इजैकुलेशन में एक मेल, हेल्दी मेल कितना स्पर्म इजैकुलेट करता है। मेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद मेल जब ऑर्गेजम होता है तो मेल सीमेन इजैकुलेट करता है ना। उस सीमेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीमेन के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। सीमेन का कुछ पार्ट स्पर्म होता है, ठीक है। तो एक बार की इजैकुलेशन में कितना स्पर्म प्रेजेंट होता है ये अपने को याद करना है। हर आदमी मिलियनेयर है इस कॉन्टेक्स्ट में, एक एक मेल जो तुम सोसाइटी में घूमता हुआ देख रहे हो ही इज अ मिलियनेयर इन केस ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म 200 से 300 मिलियन स्पर्म, छोटी मोटी चीज है नहीं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रहता है एक इजैकुलेशन में। सो हो गया मिलियनेयर हो गया हर बंदा अगर स्पर्म की बात करें तो। अभी ये स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी रहती है वो मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये नीट में, या नीट में तुम्हें डायग्राम तो नहीं बनाने के लिए आएगा, बोर्ड्स में तुम्हें डायग्राम बनाने को आ सकता है, नीट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जो कि पहले भी आए हुए हैं। देखिए स्पर्म की बॉडी के तीन मेन पार्ट्स हैं, वन टू एंड थ्री, तीन मेन पार्ट्स हैं। नाम बता दो इनका क्या है, हेड, मिडल पीस और टेल, हेड मिडल पीस और टेल, ठीक है। अभी ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, हेड के नीचे क्या होती है, नेक होती है, तो यहाँ पे इसको नेक लिख लो, कोई बात नहीं, ये भी लर्न कर लेंगे, ये दुख भी सह लेंगे, ठीक है। सिर, सिर के नीचे गर्दन, गर्दन के नीचे मिडल पीस और फिर एक टेल, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स में तो ऐसा होता है ना, सिर, सिर के नीचे गर्दन, गर्दन के नीचे मिडल पीस और हमारी टेल नहीं होती, अगर हमारी टेल होती तो हम ऐसे होते हैं, हमारी लेग्स होती हैं, चलो ठीक है इस तरीके से। अब इसका एक एक पार्ट का हमको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। इसके सिर के ऊपर एक मिसाइल रखी होती है, तोप, कि बेटा जो मेरे सामने आया उड़ा दूंगा, ब्लास्ट कर दूंगा। खतरनाक एंजाइम से भरी हुई एक वेसिकल रखी होती है सबसे टॉप पे, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब पानी लगा के, हाइड्रो मतलब पानी लगाना, लिटिक मतलब तोड़ना, पानी लगा के तोड़ दूंगी, ऐसे एंजाइम्स, ठीक है।
जिसमें कि हाइलुरोनिडेज, बहुत सारे और भी बहुत सारा एंजाइम रहता है, पर अपने को नाम करने की जरूरत नहीं है। इस वेसिकल को एक्रोसोम कहते हैं बच्चों। एक्रोसोम, तो एक्रोसोम तुमको कहाँ मिलता है? नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। कहाँ मिलता है? स्पर्म के हेड में मिलता है। दिस पार्ट इज हेड, ये पूरा पार्ट हेड है, ठीक है? तो एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ हेड। हेड के नीचे तुमको इलोंगेटेड न्यूक्लियस मिलेगा, यहां पे हेड में न्यूक्लियस होगा। सो अभी तुमको समझ में आ रहा है एक्रोसोम और न्यूक्लियस दो पार्ट्स हैं हेड के, ठीक है? आओ नेक में, मैं बताती हूँ क्या होता है। नेक अभी छोड़ो, मिडल पीस पे आओ। स्पर्म कैसे भागता हुआ जाता है ना, छिक 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 ऐसे करता हुआ मूव करता हुआ जाता है। इतना एनर्जी स्पर्म के पास आया कहाँ से है? स्पर्म के पास एनर्जी मतलब एटीपी, एटीपी के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है। जो मेरे प्यारे बच्चे कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के, उन्हें पता है कि एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मेजर पार्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मिडिल पीस में बड़े सारे माइटोकॉन्ड्रिया सजे हुए रखे होते हैं, बड़े ही सुंदर पैटर्न में, ठीक है? देर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया हियर लाइक दिस, देन देर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया हियर लाइक दिस, देन देर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया लाइक दिस, मतलब एक बड़े सुंदर पैटर्न में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एक दूसरे के साथ सजे हुए रखे होते हैं। इस पैटर्न को, ये द अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसको निबेनकर्न कहते हैं। निबेनकर्न अरेंजमेंट को, ये बहुत 2017 में मेरे ख्याल से वर्ड आ गया था नीट के पेपर में, निबेनकर्न, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था, सो इट वॉज दैट, आउट ऑफ एनसीईआरटी था। सो दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिखने की जगह नहीं है बच्चों, तीन वर्ड्स में लिख रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं निबेनकर्न। अब आ गई टेल की बात। देखो बच्चा लोग, याद रखना है ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक सेल है जो फ्लैजेला की हेल्प से मूव करता है, वो है हमारा स्पर्म। तो मतलब फीमेल्स के पास तो एक भी सेल नहीं है जो फ्लैजेला की हेल्प से मूव करता है, मेल्स के पास एक सेल है। दिस टेल इज नथिंग बट फ्लैजेला, फ्लैजेला के ऊपर कवरिंग है। अब ये फ्लैजेला आया कहाँ से, ये हम पता चलेगा, थोड़ा ऊपर जाओ, नेक पे आओ बच्चों, नेक पे, नेक पे यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स रखे होते हैं, एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल, ठीक है? जो ऊपर वाले को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, नीचे वाले को बोलते हैं डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल तुमको दो वर्ड सिखाया हुआ है ना, मेरी बॉडी के कंपैरिजन में, मेरी बाजू के पार्ट बताओ, मेरी बाजू का ये वाला पार्ट पास है मेरी बॉडी के कंपैरिजन में, सेंटर के कंपैरिजन में, तो इसको मैं बोलूँगी पास, प्रॉक्सिमल पार्ट। ये वाला पार्ट दूर है तो इसको बोलूँगी डिस्टल, डी से दूर, डी से डिस्टल। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, ये वाला दूर वाला, ये यहाँ से नीचे निकल के सेंट्रियोल से एक फ्लैजेला बनता है, और ये फ्लैजेला इसके सेंट्रल में ऐसे निकलता है, टेल में निकलता है, ठीक है? सो इट इज नथिंग बट अ फ्लैजेला, इट इज द ओनली फ्लैजेलेटेड सेल टू मूव इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब टू हैव अ फ्लैजेला एंड मूव विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैजेला। लिख दो सेंट्रियोल वाली बात, मैंने अभी तक नहीं लिखी थी, अब वो लिखनी पड़ेगी, लिख दो, दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल, दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये क्लियर है? आगे चलूं? हेलो हाय भी नहीं की आज तो बच्चों, नोट कर लो। चलो मैं आई तुमसे हेलो हाय करने, रुको तुम, हेलो एवरीबडी, माय डियर स्टूडेंट्स, अरे वाह मोहम्मद हम्मद, तुमको मजे आ रहे हैं पढ़ के, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। सिर्फ 18 ही लाइक्स किए, कैसे बच्चे हो तुम लोग, हैं क्या बच्चों? इतना बच्चा देख रहा है, जरा जितने बच्चे देख रहे हो उतना तो लाइक करो, जरा मुझे भी मजे आए तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तुमको जितने मजे आते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, मुझको भी तो उतने मजे आने चाहिए तुमको पढ़ाने के लिए, क्या बोलते हो? हाँ जी, व्हाट इज गेलिया? आदित्य सिन्हा, मैंने वर्ड सुना नहीं है बेटा गेलिया, बट मैं चेक कर सकती हूँ अगर तुम लिख दोगे तो एक बार कमेंट सेक्शन में।
हाँ जी अरेंज, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अभी अपने को ये आ गया, तो अभी अपन पीछे जा सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। अच्छा ये डायग्राम समझ में आ रही है अभी, ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने ऐसे कवर किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये पूरा हेड है ना, ये टॉप वाला एक्रोसोम है, ये नीचे वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कितना होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस क्या रहता है, एन रहता है, तो वही लिखा हुआ है, कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल कितना, एन। नेक में सेंट्रियोल, ये देखो सेंट्रियोल से ये फिलामेंट जा रहा है नीचे 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 नीचे, टेल में फ्लैजेला जा रहा है ना। इसके नीचे मिडल पीस, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। ईजी डायग्राम, अभी इधर आ जाओ पढ़ने के लिए। अपनी एनसीईआरटी देखो भाई लोग, इस क्लास में बिना एनसीईआरटी के कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर तुम एनसीईआरटी साथ साथ में पढ़ ही नहीं पाए तो फिर फायदा क्या है ना। आओ बच्चों, लेट्स एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। सो लेट्स एग्जामिन, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हाँ जी, अब सीमेन में हमें ऐसे तैरते हुए तो नहीं नजर आते, तो माइक्रोस्कोपिक ही होगा। कंपोज ऑफ अ हेड, ऑफ अ नेक, ऑफ अ मिडल पीस एंड अ टेल, वेरी गुड। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। अब स्पर्म एक सेल है, तो सेल के अराउंड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो इसलिए पूरे उसको एनवलप करेगी। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे नीट के लिए, कैसा न्यूक्लियस स्पर्म में, हैप्लॉइड इलोंगेटेड लंबा न्यूक्लियस, ठीक है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। एंटीरियर मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर बोला हुआ है यहाँ पे, तो तुमको नीट में बना सकते हैं कि बताओ पोस्टीरियर पे होता है कि एंटीरियर पे होता है न्यूक्लियस के, एंटीरियर पे होता है एक्रोसोम, ठीक है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। इसका पर्पस क्या है एक्रोसोम का, वो मैं तुमको आगे समझाऊंगी फर्टिलाइजेशन में। द मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। यही बात हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनती है जिससे टेल की मूवमेंट होती है, विच फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। यदि आपका स्पर्म का टेल मूव नहीं करता है तो वो स्पर्म बेकार है, वो स्पर्म फीमेल के ओवम को कभी फर्टिलाइज नहीं करेगा। जिसकी टेल जितनी तेजी से मूव करेगी वो उतनी ही तेजी से भागेगा ओवम की तरफ। कितने लोग रेस लगा रहे हैं ओवम की तरफ भागने के लिए, मैं जाऊंगा फर्टिलाइज करने, मैं जाऊंगा, 200 से 300। बहुत गंदा मौत का नाच होता है जब ये एक्चुअली में होता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 200 पहुंच पाते हैं ओवम तक, बाकी सब मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, बुचर कर दिए जाते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। उन 200 में से भी एक जीतता है, तो कितना रेस लगा हुआ है। अगर स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं दे रहा, तो कोई चांसेस नहीं है उसके जीतने के। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस। कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्स टू बी कॉल्ड इन द कॉमन लैंग्वेज, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एट लीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। ये आ सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के एक नंबर वाले क्वेश्चन में। एक बंदा 200 से 300 मिलियन स्पर्म तो रिलीज कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसमें से बाप बनने के लिए, पिता बनने के लिए सुंदर शेप एंड साइज कितनों की होनी चाहिए, ये याद रखना है। 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज रहनी चाहिए। ठीक है, और विग्रस मोटिलिटी बहुत तेज 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 मूवमेंट 40% की रहनी चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप शेप एंड साइज देखोगे ना। एक स्पर्म ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है तो वो तो किसी लायक है ही नहीं ना, तो आप उसको पहले रिजेक्ट कर दोगे। सबसे पहले आप शेप एंड साइज देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा का देखोगे 60% का, फिर उसमें से 40% के पास विग्रस मोटिलिटी रहना चाहिए। वे डन, चलो आगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल भीमराव सावत्कर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करूंगी मैं चैनल पे। हाँ जी
चलो बेटा जी आगे बात कर रही हूँ, यू आर डन विद दिस, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आ गई सीमेन की बारी। देखो प्यारे बच्चों, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सीमेन। सीमेन इज द मिल्की लिक्विड which is ejaculated by the penis at the end of sexual intercourse. जब sexual intercourse का end होने लगता है तब penis एक milky fluid release करता है जिसको semen कहते हैं. So this is the penis. ठीक है, this is the scrotum, this is the urethra, this is the urethral opening. So urethral opening से मिल्की सिक्रेशंस रिलीज होती हैं, उसको सीमेन कहते हैं. ठीक है, मिल्की सिक्रेशंस में क्या क्या चीज होगी, सीमेन का कॉम्पोजिशन क्या है? सिर्फ 10% कॉम्पोजिशन स्पर्म्स का है. यहां से स्पर्म आ रहा है ना, टेस्टिस से यहां से स्पर्म आ रहा है. ठीक है, स्पर्म ऑफकोर्स ऐसे इतना सिंपली नहीं आ रहा है, लेकिन स्पर्म का कॉम्पोजिशन सिर्फ 10% है. ये मैं पहले भी बात बता चुकी हूं, स्पर्म का कॉम्पोजिशन सिर्फ 10% है. मेजॉरिटी ऑफ सीमेन कहां से बन रहा है? सेमिनल वेसिकल के सेक्रेशन से. ये भी बताया था है ना, सेमिनल वेसिकल, यहां पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे करके दो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सेक्रेशन डाल देते हैं जब सीमेन बन रहा होता है. ठीक है, 60% ऑफ द सेक्रेशंस कम फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. सेमिनल स्माइल, जो लोग स्माइल करते हैं वो ज़्यादा आउटपुट दे पाते हैं, वो ज़्यादा काम कर पाते हैं. तो ये सेमिनल वेसिकल इतना ज़्यादा स्माइल कर रही है, स्माइल कि 60% ऑफ द सीमेन सेमिनल वेसिकल बना रहा है. ठीक है, उसके बाद जो बची हुई 30% है वो दो का कॉम्बिनेशन है, प्रोस्ट्रेट प्लस कांग्या 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 कांग्या. हाँ जी, अच्छा यहाँ पे ग्लैंड्स के नाम नहीं दिए हुए हैं. ठीक है, प्रोस्ट्रेट प्लस बल्बो यूरेथ्रा. सही है, सही बोल रही हूं मैं? ये याद रखना है, अगर बोर्ड में सीमेन पे क्वेश्चन आए तो ये जरा लिख आना, तो तुम्हें नंबर थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे. पढ़ लो इसको क्या लिखा हुआ है. स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स तुमको क्या क्या पढ़ाया है, एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या पढ़ाया याद है? पहले कराया था टेस्टिस के अंदर, यहाँ से यहाँ पे मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद यहाँ पे पहली डक्ट आती है रीटी टेस्टिस. यहाँ पे ये रीटी टेस्टिस है, रीटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस. जिसने ओहो जिसने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास नहीं लगाई है वो जाके क्लास लगा लेंगे. बहुत आसान सी प्यारी सी क्लास है, 1.5x स्पीड पे देखेंगे, सब कुछ ये समझ में आ जाएगा जो एक्सेसरी डक्ट्स वाली बात है. ठीक है, सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट आर असेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. अच्छा, ना सिर्फ एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है, एक्सेसरी डक्ट्स भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिक्रीट करती हैं. देखो एपिडिडाइमस भी हल्का सा कुछ सिक्रीट करेगा, वैस डेफरेंस भी हल्का सा कुछ सिक्रीट करेगा, तो एक्सेसरी डक्ट्स भी हल्का हल्का थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगी सीमेन में. अल्टीमेटली द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन. ठीक है, स्पर्म के इसके सीमेन के दो पार्ट्स हो गए, स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा में ये सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन. Now, the function of the male accessory ducts and the glands are maintained by the testicular hormones. Testosterone की वजह से इनका function बढ़िया रहता है. देखो testosterone एक जादुई हार्मोन है जो एक मर्द को मर्द बनाता है, मेल में मेल characters लाता है. जैसे कि
पीनिस के शेप फंक्शन साइज से लेके, स्क्रॉटम टेस्टिस के शेप फंक्शन साइज से लेके, पूरा एक्सेसरी डक्ट, पूरा एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये सबका फंक्शन, सबका स्ट्रक्चर, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इकलौता करता धरता टेस्टोस्टेरोन है। देन टेस्टोस्टेरोन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, मेल बॉडी को जो शेप आएगी, मेल बॉडी की शेप क्या होती है, कंधे चौड़े एंड देन थोड़ा सा यहाँ से जो हिप्स होते हैं वो नैरो, ठीक है। फीमेल बॉडी की शेप बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है उससे, ये टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है। देन दाढ़ी मूछे आना टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है। देन भारी आवाज होना, जाओ इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं लड़के जब एकदम से चेंज आता है उनके अंदर 13 ईयर्स की एज में, अराउंड 13 14 ईयर्स की एज में, वोकल कॉर्ड्स का बहुत थिक हो जाना, हैवी लो पिच की वॉइस निकालना, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। चलो आगे, हाँ जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चल रही हूं बेटा जी, वेरी गुड। चलो आओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें कराया था पिछली क्लास में, वेजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये सब अपा पढ़ चुके हैं। पर जिसने वो क्लास नहीं भी लगाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का टॉपिक उससे अनरिलेटेड है। आज का टॉपिक है ऊजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। ओवम अगर एक बेबी बनाना है तो उसके लिए एक ओवम चाहिए फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप हुआ हुआ, और स्पर्म्स चाहिए मेल बॉडी के अंदर डेवलप हुए हैं। फिर मेल जो है वो स्पर्म फीमेल के अंदर डिपॉजिट करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, फिर वो स्पर्म भागते हुए जाएंगे ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, जब फर्टिलाइज करेंगे तो वहाँ से बेबी बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो फीमेल को भी मतलब ओवम तो चाहिए ही चाहिए, अगर एक फीमेल मदर बनना चाहती है तो ओवम तो उसके अंदर होना ही चाहिए। अब ओवम का जो डेवलपमेंट है ये पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूं कि होता क्या है। अच्छा याद करो, मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कब से शुरू होती है, जरा ध्यान से याद करके बताना। मेल के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कब से शुरू होती है, बोलो तो, जवाब दो बच्चों, जवाब दो। हाँ जी सिंपल क्वेश्चन है अरविंद, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, तुम्हें बिल्कुल क्लियरली एग्जैक्टली समझ में आएगा जब तुम मेरे से ये टॉपिक पढ़ लोगे। हाँ जी स्पर्मेटोजेनेसिस की बिल्कुल गुड़िया सोनी बिल्कुल सही कह रही है, प्यूबर्टी के टाइम शुरू होती है। प्यूबर्टी 13 ईयर्स ऑफ एज अराउंड, ठीक है, तब से स्पर्मेटोजेनेसिस की क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रवीण कुमार बिल्कुल होते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट। अच्छा फनी बात है, बहुत फनी बात है, सुनो, मेल के अंदर जवान होने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस जब से शुरू होता है तो हमारे इंडियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लड़का जवान हो गया। पहले तो शादी कर देते थे जवान होते ही, ठीक है, 15 साल का लड़का है तुम्हारा, अरे इसके लिए लड़की ढूंढो। जैसे मेरे गांव में तो अभी तक भी मतलब एक जनरेशन पहले तक भी 15-16 साल के लड़के की शादी हो जाती थी, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होना मतलब जवान हो गया, ठीक है, तो वो 13-14 की एज में हल्की हल्की मूछें आने लगी हैं। ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम तुम सोचते हो कब से शुरू हुआ होगा, वो तुम्हें लगता है शुरू हुआ होगा जब फीमेल 13 साल की हुई है, तो अब एक लड़की को जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है तब से उसका ओजेनेसिस शुरू हुआ है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, फीमेल्स बहुत ज़्यादा चलाक होती हैं, वो अपना ओजेनेसिस प्यूबर्टी के लिए रोक के नहीं रखती। पता है कब शुरू करती है, ये एक मम्मा है,
ठीक है, शी इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, और इनके वूम में एक छोटा बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है, एक छोटा बेबी डेवलप हो रहा है। ठीक है, एंड शी इज अ फीमेल फीटस, ठीक है, फीमेल फीटस है। तुम्हें क्या लगता है ये फीमेल फीटस क्या सोच रहा होगा? ये सोच रहा होगा कब मैं बाहर जाऊंगी, दुनिया की खूबसूरती देखूंगी, मैं अपनी मम्मा से मिलूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। नहीं, इस फीटस के दिमाग में चालाकियां चल रही हैं। ये फीटस ये सोच रहा है क्यों ना मैं खाली बैठी हूं, ओजेनेसिस ही कर लेती हूं। एक्चुअली में ये यही करता है। इस फीमेल फीटस की ओवरीज के अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ये फीमेल फीटस की ओवरी है, इसके अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ये बात बहुत वियर्ड लगती है सुनने में, एक छोटी बच्ची फीटस ओजेनेसिस कैसे करती है, पर भगवान बचाए इन छोटी बच्चियों से, क्योंकि वो ओजेनेसिस शुरू कर रही हैं। होता क्या है, अब तुम्हें ओवरी बना के दिखानी पड़ेगी, तो अगले पेज पे दिखा रही हूं। देखो, ये ओवरी है, मान लो ये ओवरी है, ये फीमेल फीटस की ओवरी है, ये फीटस की ओवरी है। तुम्हें पता है ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं, अंदर वाला मेड्यूला, ये मतलब कि ये वाला पार्ट मेड्यूला है, अंदर वाला जो मैं पर्पल से बना रही हूं, और ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स है जो मैं येलो से बना रही हूँ। ओ भैया, आप कलर कैसे करूँगी इसको, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी ओवरी बना दी है। बच्चों अब क्या करें, ओवरी बनी है तो कलर तो होगी। ये ओवरी के बाहर वाले पार्ट को क्या बोला मैंने अभी, लिख दूं, दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज मेड्यूला। तो ये शैतान फिटस इसका ओवरी में क्या चल रहा है, देखो तो इसके ओवरी में यहां पे कुछ सेल्स हैं, कॉर्टेक्स में देर आर सम सेल्स। ये जर्म सेल्स हैं, देखो याद करो, मेल्स की टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जर्म सेल्स होते हैं जो स्पर्म बनाते रहते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये फीमेल की ओवरी में अल्टीमेटली ओवम बनाने वाले सेल हैं, तो इनको क्या बोल दूं, ओगोनियम। ये 2N है, नॉर्मल सेल है, डिप्लॉइड, ये स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स, ठीक है। अब ये पहली बार माइटोसिस शुरू कर देती है अंदर फीटल स्टेज में ही। भगवान कहता है भाई व्हाट द हेल, यू कैन नॉट डू दैट, यू आर जस्ट अ फीटस। वो कहती मैं तो करूंगी, रोक सको तो रोक लो। ये इस ओगोनियम में माइटोसिस शुरू कर देती है, माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे स्पर्मेटोगोनियम में जब माइटोसिस स्टार्ट हुआ था तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, तो इसमें जब माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी ओसाइट बन गया। प्राइमरी ओसाइट बन गया, प्राइमरी ओसाइट भी 2N है क्योंकि माइटोसिस से बना है। तो लगा दो यहां पे, ये अब यहां पे ऐसे प्राइमरी ओसाइट बन गए, जो पर्पल में बना रही हूं ये प्राइमरी ओसाइट बन गए, है ना, इसकी माइटोसिस से ऐसे, दिस इज प्राइमरी ओसाइट माइटोसिस से। तो भगवान ने इनको कहा कि भैया अब तूने बहुत गलत कर दिया, अभी तू रुक जा, तू अभी फीटस है, तू अभी ओजेनेसिस नहीं कर सकती। वो कहती मैं तो करूंगी, रोक सको तो रोक लो। तो इसने यहां मियोसिस भी शुरू कर दी, हद तो ये है कि यहां पे मियोसिस भी शुरू कर दी, मियोसिस वन स्टार्टेड। भगवान को गुस्सा आता है,
मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे भगवान का कोई रोल नहीं है, सब हार्मोनल और अदर केमिकल्स का रोल है, बट लर्न करने का तरीका है. लर्न तो मैं ऐसे ही कराऊंगी ना तुम्हें. तो भगवान कहते हैं दिस इज वेरी वेरी अनोइंग यू स्टूपिड फीटस, यू स्टॉप राइट नाउ. और मियोसिस वन का पहला स्टेज क्या होता है तुम्हें पता है? मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, चार स्टेजेस होते हैं हमारे पास, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. यही होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चार होते हैं. तो जैसे ही ये मियोसिस शुरू ही करती है, मियोसिस वन में, मियोसिस के भी दो पार्ट होते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू. तो मियोसिस वन पहले होता है, मियोसिस टू बाद में होता है. तो मियोसिस वन ही शुरू किया होगा इसने, है ना. तो मियोसिस वन के भी पहले ही स्टेप में जाती है प्रोफेस वन में, गॉड कहता है यू स्टॉप, यू बेटर स्टॉप, यू विल नॉट मूव फॉरवर्ड. इट इज स्टॉप्ड एट मियोसिस वन, स्टॉप्ड या अरेस्टेड भी लिखते हैं एट मियोसिस वन का प्रोफेस वन. मियोसिस वन के प्रोफेस वन पे यहां पे स्टॉप कर दी जाती है कि भैया अब नहीं हो सकता कुछ भी. तो इसको बड़ा गुस्सा आता है, फीटस को बड़ा गुस्सा आता है, ऐसे कैसे रोक लिया मुझे अभी. ये बेचारे ये रुक गए, ये प्रोफेज वन में जाके रुक गए, मियोसिस वन पूरी नहीं कर पाए, है ना. तो ये प्राइमरी ओसाइट के बाद, मतलब वही है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है. अब ये फिर भी नहीं हटती, अब ये कहती है कि मैं मियोसिस वन नहीं कर सकती तो मैं कुछ और कर लूंगी, ऐसे कैसे. तो वो क्या करती है, ये जो साइड साइड वाले सेल्स है ना, स्ट्रोमल सेल्स हैं, इनको अपने पास पास इकट्ठा कर लेती है ऐसे कुछ. देखो जैसे कि इसके जो आसपास सेल्स हैं इनको अपने पास इकट्ठा कर लेती है ऐसे ऐसे, ठीक है. मियोसिस वन में रोके जाने के बाद देखो ऐसे, ऐसे समझ रहे हो. हर एक अपने आसपास कुछ जो कॉर्टेक्स के सेल्स पड़े हैं ना, कॉर्टेक्स के सेल्स को अपने पास इकट्ठा करके पूरी पंचायत जमा कर लेती है. इनको बोलती है पता है मेरे साथ क्या हुआ, गॉड ने ना मुझे मियोसिस वन करने नहीं दी, मुझे प्रोफेस वन पे ही रोक दिया. इनको अपनी बातें बताने लग जाती है. अब गॉड इससे पहले आगे इसे कुछ कहता है, तेरी ऐसी की तैसी तू क्या कर रही है, उससे पहले ही फीटस 9 months का हो चुका होता है. तो फीटस के डिलीवरी की बारी आ जाती है. तो गॉड कहता है कि कोई ना अभी तू डिलीवरी कर ले, तुझे मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है. ये स्ट्रक्चर जो बने हैं ये आसपास कॉर्टेक्स वाले सेल मिला के, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल. और ये जो रेड वाले सेल्स बनाए ना, जो मैंने इसके आसपास पंचायत करने बैठ जाते हैं, इनको बोलते हैं ग्रैन्यूलोसा सेल्स. ठीक है, ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं इनको कहते हैं प्राइमरी ओसाइट. देखो प्राइमरी ओसाइट, ये चेंज नहीं हो पाए ना, मियोसिस वन में बीच में ही रुक गए थे, तो अभी इनको प्राइमरी ओसाइट ही कहते हैं. तो ये जो ब्लू वाले अंदर वाले सेल हैं ये प्राइमरी ओसाइट हैं, और जो साइड वाले सेल्स हैं उनको कहते हैं ग्रैन्यूलोसा सेल, और ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स. हर ओवरी में लाखों प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं. तब तक ये सब होते होते फीटस की एज 9 months हो जाती है, और अब फीटस की डिलीवरी हो जाती है, पार्चुरेशन हो जाती है. इतना नोट करेंगे. हाँ जी हाँ जी, मोहम्मद जैनुल अबीदीन क्या कह रहे हैं बेटा जी. तुम्हारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ. आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है. भाई जैनुल अबिदीन तुम्हारा क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा देखा, मुझे नहीं मिला है, तो मैं आगे चल रही हूँ, ठीक है. चलो आगे करती हूँ. सफीर खान, अरे सफीर खान थैंक यू सो मच. चलो आगे चल रही हूँ. अभी ये सारी चीज़ें होते होते ये फीटस फुली डेवलप हो गया और इसके पार्चुरेशन की स्टेट आ गई. तो अब ये फीटस बाहर आना चाहता है मदर की बॉडी से. तो अभी यहाँ पे चल रही हूँ,
आगे का एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं, ये है पार्चुरेशन की लाइन। पार्चुरेशन बच्चे समझते हैं, पार्चुरेशन अगर तुम नहीं समझते तो डिलीवरी समझते हो, हिंदी में हम बोलते हैं डिलीवरी हो गई है, आपकी बहू को लड़का हुआ है, बधाई हो, लड्डू तो खिला दो, तो ये वो पार्चुरेशन है। अब ये जो पापी फीमेल फीटस है जिसने ओजेनेसिस शुरू कर दिया है अंदर ही और अब उसने प्राइमरी फॉलिकल बना ली है, अब उसकी डिलीवरी हो गई, ये रही फीटस हमारी प्यारी। पापी पूपी कुछ नहीं है, ये सिर्फ लर्न करने के तरीके हैं, ये रही हमारी फीटस, ठीक है। अब ये फीटस पैदा हो गया, ये पता नहीं मछली का बच्चा लग रहा है पर मैं बनाना चाहती हूँ। अब ये फीटस बड़ा होने लगा, ये लड़की मासूम लड़की 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, ठीक है। अब जब ये खेल कूद रही थी, अब प्यूबर्टी के बीच तक कुछ नहीं होने वाला, प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होने वाला, ये है प्यूबर्टी। 12 से 13 ईयर्स के बीच में अगर किसी क्वेश्चन में प्यूबर्टी की एज नहीं दी हुई है तो आप 13 ईयर्स मानोगे, ठीक है। 12 से 13 ईयर्स प्यूबर्टी के टाइम से पहले अब कुछ नहीं होगा, बच्ची के जन्म से प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, भगवान ने उस चीज़ का बदला नहीं लिया होगा जो इसने पार्चुरेशन से पहले के पाप किए हैं, मियोसिस वन करने की कोशिश करी और माइटोसिस कर दी और प्राइमरी फॉलिकल्स बना दिए, उसका बदला तो भगवान लेगा ना। इस समय से इस समय तक इस बच्ची की ओवरी में जो फॉलिकल्स थी, लाखों फॉलिकल्स इधर, लाखों फॉलिकल्स इधर, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। बुरी तरीके से बेतहाशा डीजनरेट हो रही है, कहाँ बेचारी के पास लाखों करोड़ों फॉलिकल्स थी, इधर भी लाखों फॉलिकल्स थी, सब बर्बाद हो रही हैं, डीजनरेट हो रही हैं, धीरे 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 डीजनरेट हो रही हैं। उसको क्या बोलते हैं डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स को, फॉलिकुलर एट्रीजिया, ठीक है। ये बेचारी झूलों पे खेल रही है, फर्स्ट क्लास में स्कूल जा रही है, सेकंड क्लास में स्कूल जा रही है, इसको पता ही नहीं है कि इसकी फॉलिकल्स डिजनरेट हो रही हैं। अंत में प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत ही गरीब हो चुकी है फॉलिकल्स के मामले में, पर ओवरी सिर्फ 60 से 80 हजार फॉलिकल्स बचे हैं पर ओवरी। एक ओवरी के अंदर सिर्फ 60 से 80 हजार फॉलिकल्स बचे हुए हैं, ठीक है जी। सो इतनी बात पढ़ लूं मैं, अभी एनसीईआरटी से इतनी रीडिंग कर लें, ये वाली बात समझ में आ गई है, नोट करेंगे। 30,000 नहीं बेटा, 60,000 to 80,000 एनसीईआरटी में 60 से 80 हजार लिखी हुई है, तो हम वही लर्न करेंगे। आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो, The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. तो तुमसे बोर्ड वालों, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में, what is oogenesis? तो क्या कहोगे, process of formation of a mature female gamete, which is markedly different from spermatogenesis. बहुत अलग है भैया, जमीन आसमान का अंतर है। तुम तो एनसीईआरटी वालों मजाक ही कर रहे हो, स्पर्मेटोजेनेसिस से मार्केटली डिफरेंट, भाई लेवल देख रहे हो लड़की का, बच्ची हूँ मैं, फीटस हूँ, लेकिन मैं ओजेनेसिस कर डालूंगी, कहाँ हमारा शरीफ लड़का 13 साल की उम्र में स्पर्मेटोजेनेसिस करने लगा है। ओजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होती है व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल्स, ओगोनिया को गैमीट मदर सेल भी कहते हैं, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर ओवरी में कुछ मिलियन ओगोनियम आ जाते हैं। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। एक बार जो ओगोनिया बन गए वो बन गए, अब कोई ओगोनिया नहीं आएगा। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन, माइटोसिस शुरू हो जाती है, एंड एंटर इंटू प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोसिस तक करने की शुरू कोशिश कर देते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रोफेज वन में घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब घुस जाते हैं, फिर वहां पे अरेस्ट हो जाते हैं, एंड गेट टेम्परेरी अरेस्टेड एट दैट स्टेज, वहीं पर रोक दिए जाते हैं भगवान के द्वारा, कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट। अब उसको प्राइमरी ओसाइट कहेंगे, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट ही कहना है।
ईच प्राइमरी ओसाइट गेट दैट ज़्यादा बोल बोल के ना प्रोनाउंसिएशन खराब हो रही है बच्चों मेरी. ईच प्राइमरी ओसाइट देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोजा सेल्स. ग्रेन्युलोजा सेल्स की बैठक बिठा लेती है एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है जी. अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. यही बताया है फॉलिकल एट्रीजिया, फॉलिकल्स का टूटना बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में. देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी. हर ओवरी में 60,000 से 80,000 बचा है. द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड. अच्छा, अभी सेकेंडरी फॉलिकल हमने बनानी सीखी नहीं है. सेकेंडरी फॉलिकल नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, क्या बोलते हो? दीपक शर्मा, तुम्हारी क्यूरोसिटी जायज़ है बेटा, परंतु वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी. मादीवलप्पा 3284, ट्विंस कैसे बनते हैं वो भी अगले लेक्चर्स में सिखाऊंगी. ओके, सो आज का लेक्चर मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ. आई होप इस लेक्चर से तुम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में वो क्लैरिटी आई है. जो बल्ब तुम्हारे दिमाग का कोई ना जला सका आज तक, वो मैंने जला दिया है ओजेनेसिस को लेके. आई होप सो. और आगे भी कल की क्लास में भी बिल्कुल प्योरली क्लैरिफाई हो जाएगा. जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे. क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है. ठीक है, वहाँ से प्लस के ऑप्शन पे जाकर, नीट एम्स के ऑप्शन पे जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है. सब्सक्रिप्शन लेना है आपको 6 महीने वाला या 3 महीने वाला. 6 महीने वाला लो चाहे 3 महीने वाला लो, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो अराउंड 3 महीने का रहेगा. बट आप 6 महीने वाला ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, पेमेंट करने से पहले मेरा कोड ज़रूर डालोगे, रितु लाइव. रितु लाइव कोड डालने से तुम्हारे जो भी पेमेंट रहेगा उसका मैं तुम्हें 10% ऑफ कर दूंगी. ठीक है, तो 6 महीने का कोर्स तुम अवेल कर सकते हो सिर्फ 21,600 रुपये में, जिसमें मेरा पूरा सिलेबस का क्रैश कोर्स का भी होगा, प्लस मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्लस मेरे साथ बहुत सारी क्लासेस तुम्हारी सिर्फ लर्निंग क्लासेस होंगी जहाँ तुम मेरे साथ लर्न करोगे. साथ में तुमको 40 टीचर्स और भी पढ़ाएंगे. केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस तुमको मिलेंगी, तुम जिस मर्जी को फॉलो कर सकते हो. डीसी पांडे सर खुद पढ़ा रहे हैं हमारे साथ इन 40 टीचर्स में, इस वक्त फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो. देन मैं तुम्हें एक टेस्ट सीरीज दूंगी जो तुम्हें हर संडे के संडे अटेंड करनी है. 720 मार्क्स को 3 घंटे में सॉल्व करना है. इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इतने सारे क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व करने की. ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन लेने से फ़ायदा तुम्हारा ये होगा कि 50% तुम्हारा बोझ मैं उतार दूंगी नीट का, जो तुम्हारे दिमाग पे इतना बड़ा बोझ है ना कि नीट कैसे क्रैक होगा. 50% सिलेबस बायोलॉजी का है, वो मैं तुम्हारी मुट्ठी में कर दूंगी. ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स में सिर्फ 50 बच्चों को लूंगी. पहले जो 50 बच्चे इनरोल कर लेंगे उनके साथ मैं पढ़ाई करना चालू कर दूंगी, और उसके बाद मैं और बच्चे ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि 50 बच्चों को मैं आराम से पढ़ा पाऊंगी, उससे ज़्यादा को नहीं पढ़ा पाऊंगी, खचपच बहुत ज़्यादा मच जाती है. सो आज के आज सब्सक्रिप्शन लो, यदि ले सकते हो तो, या जब तुम्हारा मन करे तब ले लो, जैसे भी तुम लोग कंफर्टेबल हो. ओके, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच. और मैं यूट्यूब पे भी पूरा होल सिलेबस टेस्ट शुरू करने वाली हूँ, तो प्रिपेयर कर लो ड्रॉपर्स, जो तुम्हारे चैप्टर्स रहते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करो. पूरा होल सिलेबस टेस्ट रखा करूंगी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो. ओके, सो आई विल सी यू, आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच, बाय बाय.